शांति एक रास्ता। शांति हमारे फाइव सेंसेस यानी कि पांच चेतन जो है सूंघना, देखना, सुनना, छूना और स्वाद, इन सबसे परे है ये इसलिए परे है क्योंकि शांति हमारे अंदर छठवें चेतन यानी सिक्स सेंस को जागृत कर देता है। जिसे हम थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख कहते हैं। वास्तव में किसी को तीसरी आंख नहीं होती, ना ही कभी किसी को तीसरी आंख थी। तीसरी आंख का मतलब है शांति होना, जिसके अंदर अद्भुत विशाल शांति जागृत हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि उसकी तीसरी आंख खुल गई। और ये सिर्फ आपके अंदर के अंदर की जागी हुई चेतना की निशानी है। समाधि वो द्वार है जहां से शांति रास्ता बनाकर आपको आपकी अंदरूनी यात्रा करवाती है। शांति में आप अपने एहसास को दूसरों से साझा करते हैं। शांति में आप अर्थपूर्ण, जिसका मतलब है मीनिंगफुल हो जाते हो, यानी कि शांति से आपको दुनियादारी समझ में आ जाती है। आप हर चीज का मतलब समझ पाते हो। शांति बहुत कुछ कहती है। शांति बिना शब्दों के दुनिया से बहुत कुछ कहती है। शांत मन के द्वारा आपको दुनिया अच्छी लगती है और दुनिया को आप अच्छे लगते हो, जो शांत है उसे सभी पसंद करते और जो शांत है उसे सब पसंद होता है। तभी तो शांति प्राप्त होती है।
शांति सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। हालांकि शांति के एहसास के लिए चुपचाप रहना जरूरी है। परंतु एक बार आप समाधि में लीन हो गए, तब शोरगुल का कोई असर नहीं होता है। दरअसल तब शोरगुल भी गायब हो जाता है। शांति से बाहर आप किसी भी आवाज से नहीं आ सकते, जबकि चुपचाप बैठने रहने से आप आसानी से बाधित हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको जोर से किसी ने आवाज दी तभी आप शांति के बाहर निकल सकते हो। लेकिन जब एक बार आप शांति के साथ अपनी अंदरूनी दुनिया की सैर पर निकल पड़े, तब बहुत मुश्किल है आपकी इस शांति की यात्रा को रोक पाना। तब मुश्किल है आपकी शांति को भंग करना। आप सिर्फ तभी रुक सकते हो जब आप खुद रुकना चाहो। जब आपका दिमाग शांत है तब आप आसानी से किसी भी विचार से बाधित हो सकते हैं। शांत मन एक शांत वादियों की तरह है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि वादियां में भी शांति एको से बाधित होती है। मन की शांति और शरीर की शांति आसानी से बाधित हो जाती है, पर आपकी जो अंदरूनी दिव्य शांति होती है ये आपको वहां लेके जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। और वो शांति आसानी से बाधित नहीं होती है। बाहरी शांति, मन की शांति और शरीर की शांति एक पहला कदम है। वहां पहुंचने के लिए जहां सच में आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से दिव्य शांत हो जाता है। ध्यान ही आपको
उस शांति की ओर ले जाता है जहां आप खुद को पाते हैं। और इसके बाद आपको बहुत खूबसूरत एहसास और अनुभव होने शुरू लगता है। फिर आपको अस्तित्व को पीना किसे कहते हैं, इसका सही माने में अर्थ मिलता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू ड्रिंक द एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे आप शांति के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे आप स्वयं ही शांति बन जाते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टू बिकम साइलेंट। क्योंकि शांति ही आपकी अंदरूनी शांति का द्वार है, अंदरूनी शांति ही चरम सीमा है शांति की, अंदरूनी शांति ही सबसे पवित्र है। और फिर इस अंदरूनी शांति का एहसास आपको तब तब होने लगता है जब जब आप खामोश हो या नींद में हो या आप अकेले हो ये अंदरूनी शांति हमेशा आपके साथ रहती है।